अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको स्पैगेटी बॉयल करने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह आप परफेक्टली स्पैगेटी को बॉयल कर सकते हैं। स्पैगेटी जो कि डिफरेंट फूड्स में इस्तेमाल होती है, रशियन सैलड में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा इससे चाउमिन बनता है, डिफरेंट डिशेज बनती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको जब भी बॉयल करते हैं तो वो आपस में चिपक जाती हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं आज आपको बहुत ही परफेक्ट तरीका बताने जा रही हूँ जिसके बाद आपकी स्पैगेटी बिल्कुल अलग अलग होगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप देख रहे हैं कुक यम्स। स्पैगेटी को बॉयल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पैगेटी। मैंने एक पूरा पैक लिया स्पैगेटी का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अच्छा, जो इसको बॉयल करने का मेथड है, सेम मेथड आपको मैक्रोनी वगैरह बॉयल करने हो उसका भी यही है। सबसे पहले मैंने पानी लिया, यानी आपने बहुत ज़्यादा पानी लेना है। लाइक अगर एक मेरा पैकेट था तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 लीटर पानी ऐड किया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया और स्पैगेटी ऐड कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें कि मैंने जो बर्तन है वो बड़ा लिया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप स्पैगेटी को साइड पे कर लें, जब वो उसका जो निचला हिस्सा जो कि पानी के अंदर डिप होगा वो सॉफ्ट होगा तो उसको अगेन आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये सॉफ्ट हो जाती है और ये देख लीजिए बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गई है। अभी हम इसको बॉयल करेंगे और अभी मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ। मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे जब ये पकना शुरू हुआ, बॉयल होना शुरू हुआ, तो तकरीबन हम लोग 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको बॉयल करेंगे। अच्छा, नमक इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है, 1 to 2 टेबल स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। और उसके बाद मैंने स्ट्रेन कर दिया। स्ट्रेन का मतलब यानी पानी, एक जो स्ट्रेनर होता है, जो छन्नी होती है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने जो ठंडा पानी खोला था, अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं हो तो आपने इसी तरह नलका खोलना है और उसके यहाँ पे जिस तरह मैं स्पैगेटी में हाथ फेर रही हूँ, आपने ऐसे इसको अच्छे तरीके से करना है। ये अभी गर्म थी और मैं इसी स्टेज पे जो है इसको आपस में यानी इसको इस तरीके से हिलाना जैसे दिखाया जा रहा है, ताकि जो है ये आपस में जुड़े नहीं और पानी हर जगह पे लग जाए। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है कि स्पैगेटी आपस में जो है वो जुड़ती नहीं है और बिल्कुल अलग अलग रहती है जैसे आपको दिखाया गया है। अगर मैक्रोनी हो तो उसके लिए भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अगर मौसम जो है गर्मियों का है तो आप फ्रिज का पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि स्पैगेटी पे पूरे तरह से पानी लगना चाहिए जब वो गर्म गर्म हो, तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो कैसी लगी आपको आज की टिप ज़रूर बताइए। स्पैगेटी से हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई थी, हमने रशियन सैलड बनाई थी, चाउमिन बनाया था और इसी तरह हमने डिफरेंट स्पैगेटी एक बनाई थी वेजिटेबल। सब कुछ बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। इन तमाम चीज़ें की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। होप सो आपको आज की टिप अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।